हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज का प्रश्न है, ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया को समझाइए या किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, तो आप इसमें इस वीडियो के माध्यम से उसे ज़रूर समझा सकते हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझाया है हमने ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहें और आपकी हेल्प होती रहे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इसका उत्तर। तो देखिए दोस्तों, जब पोटेशियम थैलेमाइड पर एल्किल हैलाइड की क्रिया कराई जाती है तो एन एल्किल थैलेमाइड बनता है जिसका अम्लीय एमीन के जल में अपघटन कराने पर प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया कहते हैं, यानी ग्रेवियल थैलेमाइड रिएक्शन भी कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या लेते हैं, पोटेशियम थैलेमाइड का यह सूत्र होता है इतना, तो आप इसे याद कर लें क्योंकि उसमें रिएक्शन के समय आपको इसको याद करना पड़ेगा इस सूत्र को। इस सूत्र के बाद आपको एल्किल हैलाइड लेना है, एक एल्किल हैलाइड सब में, तो इसका CCl बॉन्ड CH2H5 है। अब इसमें से यहाँ से इसको निकाल देंगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा बेंजीन CO और CO बॉन्ड CO और आंशिक बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ये आंशिक बॉन्ड है इसमें, ये आंशिक बॉन्ड, तो N तो इसके बीच में सीधी रिएक्शन हो जाएगी तो ये बॉन्ड बन जाएगा एक, ये इसके तीन बॉन्ड हो गए और ये भी सही हो गया, तो ये क्या बन गया, एन एथिल थैलेमाइड बन गया। अब आंशिक बॉन्ड के साथ एन जुड़ गया। अब इस एन को हटाने के लिए हमें दोबारा से अभिक्रिया करानी पड़ेगी, तो इसमें हम लेते हैं तनु HCl और जल के बीच, हम जल को ऐसा लिख सकते हैं, पानी को H2O को इस प्रकार ऐसा लिख सकते हैं ना, बॉन्ड H इस प्रकार लिख सकते हैं, ये आंशिक बॉन्ड हो गया इसका आंशिक बॉन्ड। अब इसमें 2 लगा दें तो यहाँ भी 2, यहाँ पूरा 2 है। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ से ये 2 ये 2 एक यहाँ पर जुड़ गया, एक यहाँ पर जुड़ गया, तो अब क्या बचा इसमें से H2 बचा, तो H2 इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ यानी N के साथ H2 जुड़ जाएगा इस N के साथ, तो ये क्या बचे बन गया C2 यानी एथिल एल्किल एमीन बन गया, ये एल्किल एमीन बन गया और ये बन गया थैलेमाइड यौगिक। तो दोस्तों इस अभिक्रिया द्वारा एरोमेटिक यौगिक नहीं बनाए जा सकते। तो देखिए दोस्तों ग्रेवियल थैलेमाइड अभिक्रिया संपन्न हो गई है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में समझ सकें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।